क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ये जो धरती है ये कहाँ जाके खत्म होती है? आप सुनकर हिल जाओगे कि अब इंसान भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, वो भी 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अगर आप सोचते हैं पृथ्वी का सबसे चमकदार चीज हीरा है तो आप गलत हैं। दुनिया में एक ऐसी भी महिला थी जो 1.5 किलोमीटर दूर खड़े इंसान को पहचान सकती थी कि वो कौन सा इंसान है। ऐसे ही ढेर सारे फैक्ट्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ये इलेक्ट्रिक विंग सूट है जिसकी मदद से पीटर उड़ान भरने में कामयाब रहे। नॉर्मल विंग सूट की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो। BMW द्वारा तैयार किया गया ये इलेक्ट्रॉनिक विंग सूट में फ्लाई करने के लिए 2 कार्बन प्रोपेलर एंड इम्पेलर्स लगाए गए हैं। फैक्ट नंबर 17, आपके दिमाग में हमेशा ये आया होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी की अंत कहाँ होगी, किस तरह होगी, हमारी पृथ्वी की जो लास्ट छोर है वो कहाँ जाके खत्म होती होगी। तो हम आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो छोर है ससेक्स इंग्लैंड, ये वो जगह है जहाँ पर हमारी धरती का अंत होता है। फैक्ट नंबर 16, अगर आप एक भारतीय हो तो आप इन सभी देशों में जैसे नेपाल, भूटान, जमैका, वियतनाम, फिजी, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे गर्म देशों में से एक कुवैत देश माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अधिक तापमान कुवैत के नवासियों शहर में दर्ज किया गया है। यहां का पारा 53.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ था। कुवैत के बाद इराक का तापमान आसमान छूता हुआ पाया गया है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पक्षी कौन सा है। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पक्षी पुक नाम का होता है जो 1728 शब्द को याद करके 1995 से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जगह बनाया हुआ है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आपने कभी न कभी ये देखा होगा कि पुलिस वाले की वर्दी में एक रस्सी होती है जो उनके जेब में जाती है। दरअसल ये कोई आप रस्सी नहीं बल्कि एक प्रकार की सीटी होती है जो उनकी वर्दी से जुड़ी होती है और उनके जेब में छुपी होती है। इमरजेंसी पड़ने पर सीटी दिया जाता है। फैक्ट नंबर 12, अगर आप दुनिया का सबसे चमकीला चीज हीरा मानते हैं तो आप गलत हैं। पृथ्वी पर सबसे चमकदार जीवित चीज पोलियो कंडेंसेटा है जो एक अफ्रीकी फल है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है सिर्फ 1 घंटा हेडफोन लगाने से हमारे कानों में जीवाणुओं की तादाद 700 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 10, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए विश्व के किसी भी कोने में जाकर मारने की क्षमता रखता है और मोसाद ने कई ऑपरेशन विश्व के दूसरे देशों में किए भी हैं और अपने दुश्मनों को सजा भी दिया है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है चमगादड़ जब अपने गुफा से निकलते हैं तो पहले किस तरफ मुड़ते हैं। चमगादड़ अपने गुफा से जब निकलते हैं तो सबसे पहले बाएं तरफ मुड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, वेरोनिका सीडन नाम की एक महिला थी जो उसकी आँख की रोशनी इतनी तेज थी कि एक औसतन इंसान से 20 गुना बेहतर थी। वो 1.5 किलोमीटर दूर खड़े इंसान को भी पहचान सकती थी कि वो कौन सा इंसान खड़ा है। फैक्ट नंबर 7, हमारे पेट में जो एसिड होता है वो इतना तेज होता है, इतना खतरनाक होता है कि वो ब्लेड को भी गला सकता है, परंतु हमारे पेट को इसलिए नहीं जलाता है क्योंकि हमारे पेट में बलगम होता है जो कि पेट की रक्षा करता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है मुंबई की ब्रेबार्न स्टेडियम में 1988 में वन डे अभ्यास मैच में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले चांद पर पैर किसने रखा। नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले अपना बायां पैर चंद्रमा पर रखा था और उस समय उनके दिल की धड़कन 156 बार प्रति मिनट के हिसाब से थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप बिच्छू को पागल हुए कभी देखे हैं। अगर एक बिच्छू पर थोड़ी सी मात्रा में शराब या रस डाल दिया जाए तो वह पागल हो जाएगा और खुद को डंक मार लेता है। फैक्ट नंबर 3, टाइटेनिक जहाज के बारे में सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है 269 मीटर की ऊंचाई वाले टाइटेनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने समय के हर इमारत से सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हर 3 साल में एक बार अक्टूबर की पूर्णिमा को हार्वेस्ट मून के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप दुनिया का सबसे बड़ी मधु की छत्ता देखें। दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी दुनिया के सबसे स्वादिष्ट शहद बनाती है, इसे मेड हनी के नाम से जाना जाता है। हिमालय के लोग इस शहद को पाने के लिए बड़ी खतरा और बड़ी सतर्क से चट्टानों पर चढ़कर इस शहद को लेकर आते हैं।